मुंगेली वन विभाग का एक मामला इन दिनों सुर्खियों में है, जहां डीएफओ साहिबा के आदेश पर तत्काल अंडा, चिकन, मटन, साग सब्जी से लेकर जरूरत की सामग्री बंगले तक पहुंचाई गई, जिसको लेकर अब मुंगेली वन मंडल की डीएफओ शमा फारूखी से प्रताड़ित होकर रेंजर फेकूराम लास्कर ने डीएफओ पर कई तरह के आरोप लगा दिए हैं। दरअसल ये पूरा मामला मुंगेली जिले का है। रेंजर ने महिला डीएफओ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। रेंजर ने शिकायत में कहा है कि वन मंडल अधिकारी मुंगेली शमा फारूकी हर हफ्ते राशन का सामान रेंजर से मंगवाती है। शमा बाद में पैसा देने की बात कहकर चली जाती हैं। ऐसा करते हुए शमा ने गैस सिलेंडर, साग सब्जी, फल, अंडा, मछली, चिकन, बकरा, मीट, बिरयानी, बच्चों के लिए खिलौने सहित कुल 90,000 रुपए के सामान मंगा लिए। इसके अलावा एक महिला को 12,000 में मालिश के लिए भी रखा, लेकिन शमा ने पैसे नहीं दिए। हर बार शमा बाद में पैसे दे दूंगी कहकर बात टालती रही। रेंजर ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, पैसे की मांग करने पर मुझे अपशब्द का प्रयोग करते हुए किसी प्रकरण में फंसाने की धमकी दी जाती है। साथ ही वन विभाग के बड़े अफसर PCCF श्रीनिवास राव को बोलकर सस्पेंड कराने की धमकी भी दी गई है। रेंजर ने शिकायत में लिखा है कि मेरी नौकरी खत्म होने वाली है, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए राशि की मांग करता हूं, लेकिन डीएफओ मुझे पैसे देने के बजाय अपशब्द कहती है। डीएफओ बन के आई है, तब से मेरे को प्रताड़ित कर रही है और आते आते बोली कि मेरे को राशन दिलवाओ, मैं पैसा दे दूंगा। तो साग सब्जी, चिकन, मीट मसाला सब भेजवाता था। इनका साथी उन्हीं का चौकीदार है, वो सब सामान ले जाते थे, दुकानदार भी साथी है। जब और दूसरा मालिश करने के लिए एक लड़की रखी थी जिसका नाम चंद्र कुमारी पात्रे है, वो उसको भी 12,000 दे चुकी। इस तरह का मेरा 90,000 रुपये खा चुकी है मैडम। उसके मांगने गया, अब मेरी मात्र सर्विस 10-15 दिन बची है, तो तुमको सही जगह पर रिटायर होना है कि नहीं, नहीं तो मैं वन मंडल बोल को बोल के सस्पेंड करा दूंगा। नहीं जानते क्या मेरे वन मंडल अधिकारी चाचा है, ऐसे करके धमकाई है, गाली गलौज दी है। ऐसे में वन मंडल के अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी के साथ कूट रचना षड्यंत्र कर दस्तावेज तैयार करवाने का भी जिक्र शिकायत में सौंपा गया है। वहीं इसको लेकर पीड़ित रेंजर ने न्याय की गुहार लगाते हुए मुंगेली जिले के सिटी कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि वन मंडल के अधिकारी शमा फारूकी के द्वारा मेरे निजी राशि का गबन करने, अपशब्दों का प्रयोग करने, धमकी देने, कूट रचना कर दस्तावेज तैयार करने के कारण उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की गई है। वहीं DFO शमा फारूकी ने बताया कि उक्त रेंजर के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, जिसके चलते उन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है, जबकि ये आरोप बेबुनियाद और झूठा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई में क्या निकल कर सामने आता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।